टीचिंग अस्पताल पिशावर में ऑक्सीजन न मिलने के बायस कोरोना के आठ मरीज जान से गए मुल्क में जहाँ बहक होने वालों की तादाद अठावन हो गयी वजीर खारजे शाह महमूद कुरेशी का कहना है की ओपोजिशन आठ दिसम्बर को फैसले करे और इस्तीफे दे नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि बड़े फैसले करने वाले हैं अब आर या पार होगा पिशावर मुल्तान जलसी के बाद लाहौर में भी पीडीएम को मायूसी होगी सुबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक का दावा फखरुल इस्लाम डोगर को मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान में एमडी डी तैनात कर दिया गया मुल्तान में बोसन रोड पर डकेती मोबाइल फोन छीन लिया गया सीसीटीवी फुटेज मक्स न्यूज ने हासिल कर ली लिया में गैरत के नाम पर कत्ल की कोशिश एक शख्स शदीद जख्मी हो गया मुलजिम गिरफ्तार गड़ा मोर मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कोच उलट गई सैयद फखर शाह कहते हैं कि इंटर बोर्ड गेम्स में बेस बॉल को शामिल करने पर तालीमी बोर्ड के शुक्र गुजार है पहला ऑल पाकिस्तान फ्रेंड्स इलेवन टे बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए मैदान सज गया This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्ला के साथ मैं अहमद अली और मैं हूं नासिर अब्बास अब चलते हैं खबरों की तफसलत की जाने खैबर पख्तुन में ऑक्सीजन बर्वक ना मिलने के बाद अस्पताल के मुताबिक रावल पिंडी ऐसी ऑक्सीजन सिलेंडर बर्वक न पहुँचने की वजह ऐसी मरीजों ने दम तोड़ा सेंट्रल ऑक्सीजन ऐसी से सप्लाई तीन घंटे ताखिर ऐसी पहुंची थी अस्पताल के मुख्तु वार्ड में तश्वीशनाक हालत में मरीज शदीद मुश्किल का शिकार रहे दूसरी जाने वजी अला महमूद खान ने टीचिंग हस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की अमवाद के वाक का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और वजीर सेहत को बोर्ड ऑफ गवर्नर से वाक्य की तहकीकात करवाने की हिदायत की है इलाहा सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक गुजशतर चौबीस घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजद तीन हजार तीन सौ आठ केसेज रिपोर्ट हुए जिसके बाद मुताद की मजमुई तादाद चार लाख सोलह हजार चार सौ निन्यानवे तक पहुँच चुकी है कोरोना से मजीद अट्ठावन अफराद जान की बाजी हार गए जिसके बाद महमूदी ने मुल्तान में मीडिया से -गु करते हुए कहा है कि मुल्तान में पी का जलसा नहीं होना चाहिए था अपोजिशन अपने मुफाद के लिए इंसानी जानों से खेल रही है उनका कहना था की जनवरी में कोरोना वायरस मजीद बढ़ सकता है लिहाजा अपोजीशन को ऐसी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए वजीर खारजा ने कहा की अपोजिशन को अपने फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी का नफाज है लिहाजा को अवाम का तहफ करना चाहिए इनका कहना था, था जबकि करना का है। दिसंबर को करे और इस्तीफे दे दे। कोई नजरियाती महंगी नहीं है दूसरी चीज करना चाहूंगा मेरी राय मेंलसा नहीं होना चाहिए था और हमारी क्या लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी एहतियात करनी चाहिए थी वहां मेरी राय में कंटेनर्स की जरूरत भी नहीं थी और यह मैंने बरमला कहा और मैंने ये अपना मौकफ जो पिछड़ी का काबीना का अजलास था उसमें भी पेश किया उसकी जरूरत नहीं थी ऑपोजिशन को करना नहीं चाहिए था और इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे और आपने भी देखा और पूरे शहर ने देखा और मैंने भी देखा कि जो तादाद थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है बड़े शौक से जाते किला कोना कासिम बाग में जलसा कर लेते मेरी राय में उसकी इजाजत होनी चाहिए थी और मैंने यही कहा मैं अब भी कहूंगा कि ये कॉन्शियस फैसले हैं हकूमत ने कॉन्शियस फैसला किया है और इसमें मेरा मैंने बरमला अपना इनपुट दिया है कि हमने इनकी एक्टिविटी को जबरदस्ती नहीं रोकना तलकीन करनी है मशवरा देना है एक्सपर्ट्स की राय सामने रखनी है डॉक्टर्स की राय सामने रखनी है इस इस वक्त भी मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज है आपके सामने है या तो कहें कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या कहें जो माहरीन हैं जो की जो की कमेटी है, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स के, मशावरत के बाद तो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्टी के सोशल मीडिया विंग से खिताब करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि एक मुत वजी अजम को जायद अकामे की बुनियाद पर ना अहल किया गया और वोट चोरी करके नालायक हुत को हमारे सरों पर मुसलत किया गया आज न पाकिस्तान चल रहा है और न कोई हकुमत चल रही है कहा जाता था कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की फ्लाइट आरोप पाबंदी लगा दी है आज उन कोई पूछने वाला नहीं तेरह दिसम्बर को लाहौर में कामयाबी का ऐलान करना बाकी है ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा महंगाई और गुर्बत का खात्मा होगा बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है वो फारिग है और एक तरफ दुनिया का सबसे ना लायक दुनिया का सबसे ना अहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो मईत बंद हो गई हो हर चीज को ताला लग गया हो लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस बहत्तर साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह और यह भी मैं बता दूं पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह आठ तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह और ये भी मैं बता दूं और ये भी मैं बता दू ये भी मैं बता दू ये भी मैं बता दू की इन के अवाम ये खुशखबरी में सुना दू कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इन शाल सिर्फ तेरा के जलसे में लाहौर में फतेह का ऐलान होना बाकी है सूबाई वजी तो डॉक्टर अख्तर मलिक ने मुल्तान कैंप ऑफिस में खुली कचहरी लगाई इस मौका पर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए पुरजम है महंगाई मजीद कम होगी जखीरा दोजो और अशियाए खुरदोनोश को जायद नर पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा इनका मजदीद कहना था कि ग्यारह जमातों का इतिहाद पाकिस्तान की मैशत को करोना से ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है मुल्तान पिशावर के जलसी के बाद अपोजिशन को लाहौर में मायूसी होगी पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है फ़ख्र इस्लाम डोगर को एमडी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तैनात कर दिया गया है इससे कबल वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बतौर डिप्टी सेक्रटरी कॉलोनी खिदमात अंजाम दे रहे थे मुल्तान में शहरी से मोबाइल छीन लिया गया मोहम्मद शुएब जब अपने काम से घर के लिए निकला तो रास्ते में पीएसओ पेट्रोल पंप पर काल सुनने लगा अचानक एक मोटरसाइकिल सवार शुएब से फोन छीनकर फरार हो गया इस सारे वाक्य की सीसीटीवी फुटेज मक्स न्यूज ने हासिल कर ली एएसआई जहूर अहमद की सरपराही में पुलिस ने मौका पर पहुंचकर सीसीटीवी रिकॉर्ड देखने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है अहले इलाका ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया और डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया लिया में गैरत के नाम पर मुखालिफ की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया वार्ड नंबर छह के रिहायशी आसिफ ने नवाज को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की नवाज शदीद जख्मी हो गया जख्मी को तहसील हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया मोड में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कोच उलट गई तहम रेस्क्यू एहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फ्राम की एक शदीद जख्मी को डी एच क्यू हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया सदर पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल बॉल सैद फखर शाह का कहना है कि इंटर बोर्ड गेम्स में बेसबॉल को शामिल करने पर ताली बोर्ड के शुक्रगुजार हैं इनका कहना था कि तली बोर्ड की सालाना गेम्स में बेसबॉल की शमूलियत एक ऐसा इकदाम है ये बात उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद मजर सईद चेयरमैन राव शमशाद अली सेक्ट्री ताली बोर्ड बहावलपुर से मुलाकात के दौरान कही

Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.